गिटार लर्निंग में नाइटमेयर क्या हो सकता है? बिगिनर्स के लिए तो एक ही होता है, बा कॉर्ड्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं तीन ऐसे समाधान जो आपके इस बुरे सपने को, बा कॉर्ड के बुरे सपने को एक हसीन सपने में बदल देगा। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। हमेशा की तरह पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से, बार कॉर्ड। तो बार कॉर्ड में बार क्या है? आप लोगों ने सुना होगा चोको बार या मे बी साउंड बार, तो समझ गए ना बार का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वर्टिकल, कोई भी चीज़ जो वर्टिकल है और एक तरीके से स्टर्डी है, थोड़ा सा स्ट्रांग है भी। तो बार का मतलब होता है हम अपना फिंगर को एज ए बार यूज करते हैं फ्रेडबोर्ड पे, तो उसी की वजह से इन कॉर्ड्स को बोला जाता है बार कॉर्ड्स। अब इनके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक या फिर है ना क्या कहते हैं, कोई नुस्खा ऐसा नहीं है कि बस उसको यूज़ करने के बाद तुरंत ये चीज़ हो जाएगी। एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस है जो आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये हो रहा है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जाके हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना, एकदम से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक वीडियो पे देखा ठीक है आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दिया। तो इस तरीके से अगर करेंगे बार कॉर्ड में भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रिक नंबर वन के हिसाब से, और जो मतलब देखिए मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रिक्स हैं ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, ये कोई सार्वभौमिक तथ्य नहीं है कि आपको लगे कि नहीं अच्छा इन्होंने ऐसा बताया तो बाकी तरीके गलत है। वॉट एवर वर्क फॉर यू गो अहेड विद दैट। सो मेरे हिसाब से जब भी आपको बा कॉर्ड स्टार्ट करने चाहिए ना, यू शुड नेवर स्टार्ट विद एफ वाला शेप फर्स्ट, पहले तीन चार फ्रेट में नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द फिफ्थ फ्रेट या उसके आगे का कोई फ्रेट। रीजन क्या है कि जैसे से हम देखेंगे कि जो ये शुरू के तीन फ्रेट हैं, चार फ्रेट हैं, ये गिटार के सबसे बड़े और चौड़े फ्रेट होते हैं। जैसे से हम आगे बढ़ते हैं जो इनकी चौड़ाई है कम होती जाती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपको बार लगाने में बाकी फिंगर्स के साथ ज़्यादा सुविधा होगी इस एरिया में बजाय शुरू के तीन फ्रेट्स में। तो ट्रिक नंबर वन ये कहती है कि अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं बा कॉर्ड सीखना, नो डाउट एफ मेजर ज़्यादातर वो पहला कॉर्ड होता है जिसकी वजह से लोग बा कॉर्ड लगाना शुरू करते हैं, बट यू कैन स्टार्ट विद द फिफ्थ फ्रेट, मतलब ये यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और ज़्यादा जल्दी यू विल गेट द क्लियर साउंड। एंड वंस यू आर सक्सेसफुल इन दिस एरिया, स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड वन स्टेप। ठीक है, एक एक स्टेप पीछे जाना स्टार्ट कर दें और कुछ ही दिनों में आपका जो एफ मेजर है शुरू के तीन फ्रेट जो हैं उस पर भी आप बार कॉर्ड लगाने लग जाएंगे। नंबर टू ट्रिक, आपका जो बार है, देखिए आप जहाँ से भी सीख रहे हैं, अगर आपको कोई टीचर सिखा रहे हैं या फिर आप किसी वीडियो से सीख रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो बार लगाने का तरीका उनके लिए वर्क कर रहा है वो आपके लिए भी वर्क करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बार इस तरीके से लगाई और मैं जब कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ तो बहुत क्लियर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप जब ऐसे ट्राई कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रेस ही नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको टिल्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपको ये समझना जरूरी है कि बार टेक्निकली तीन ही स्ट्रिंग प्रेस कर रहा है। बार मतलब हमारा इंडेक्स फिंगर, एक तो छठा स्ट्रिंग प्रेस कर रहा है और नीचे के दो स्ट्रिंग प्रेस कर रहा है, बाकी के जो तीन स्ट्रिंग है ये तो ऑलरेडी इन तीन ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। ठीक है, अब जैसे मैं मेरा ट्रिक बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स आई स्टार्टेड लाइक दिस ओनली, कि जिसमें मेरा नेल एकदम फ्रंट में रहता है, बट मैं सही नहीं कर पा रहा था, बज आता था, प्रॉपर साउंड नहीं आ पा रहा था, तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया। अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं बार कॉर्ड लगाता हूँ तो मेरा जो इंडेक्स फिंगर है वो थोड़ा सा ऊपर निकलता है फ्रेटबोर्ड के भी, है ना, एकदम ऐसे इक्वल पैरेलल नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर जाता है। उसके अलावा आई टिल्ट माई फिंगर ऑल्सो, है ना, एकदम स्ट्रेट लगाने के बजाय मैं थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ। तो अब ये तरीका मेरे लिए वर्क करता है तो जरूरी नहीं आपके लिए वर्क करे, लेकिन अगर आप कोई और तरीका यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो, बिकॉज पर्सन टू पर्सन फिंगर साइज अलग होता है, आपका प्रेस करने का जो फोर्स है वो अलग होता है। तो ऐसा कोई वो नहीं होता फैक्ट कि नहीं कि अगर सामने वाले ने ऐसे उंगली करके रखा है तो आपको ही वैसे लगाना है, बट हमें मेन चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये तीन स्ट्रिंग जो है, नीचे के दो स्ट्रिंग और ऊपर का छठा स्ट्रिंग,
ये जो हैं इसके थ्रू प्रेस हो रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर साउंड ला पा रहे हैं तो दैट्स इट, टास्क इज डन। तीसरी जो ट्रिक है वो यहाँ की है। देखिए, बार कॉर्ड एक ऐसा पॉइंट होता है आपकी गिटार लर्निंग में जिसमें इट चैलेंजेस यू मेंटली ऑल्सो, है ना। ये आपके पेशेंस को भी चैलेंज करता है ना। आप कितना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कितना आप में एक तरीके से परसिवरेंस है कि आप लगातार ट्राई कर सकते हैं बिना झुंझलाए, ठीक है। तो आपको मेंटली थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अगर आप, हो सकता है आपको 3-4 दिन हो गए हैं प्रॉपर नहीं प्रेस हो रहा है, तो हताश मत होइए, दोबारा ट्राई कीजिए। देखिए, अल्टीमेटली ये ध्यान रखिए कि हम लोग फिजिकल टास्क के हिसाब से तो बहुत छोटी सी चीज़ कर रहे हैं, है ना। अगर हम कोई फिटनेस का गोल अचीव कर रहे होते तो हमें इससे 4 गुना ज़्यादा मेंटल और फिजिकल डेडिकेशन और कन्विक्शन की ज़रूरत होती है। बट ये टेक्निकली ये जो टास्क है फिजिकलिटी के हिसाब से उससे बहुत कम है, और इसको आप एज ए फिजिकल टास्क ही कंसिडर करें शुरू में। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, हम कोई क्या कहते हैं, नो डाउट हम म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, बट स्टिल कंसिडर इट कि आपको कोई फिजिकल टास्क दिया गया है कि जिसमें यू हैव टू अचीव अ सर्टेन पोजिशन विद गेटिंग दीज साउंड्स। तो वंस यू विल गेट इट, आई डोंट थिंक देर विल बी एनी प्रॉब्लम अप्लाइंग द सेम थिंग इन एनी सॉन्ग और एनी पीस दैट यू आर प्लेइंग। सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि कॉर्ड्स यहाँ के साथ साथ यहाँ से भी बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ उसको ट्राई करेंगे। आज के वीडियो से आपने क्या सीखा कि बा कॉर्ड प्ले करने का पहला ट्रिक ये हो सकता है कि यू शुड स्टार्ट ट्राइंग इट फ्रॉम द 5th फ्रेट और उसके आगे के फ्रेट, क्योंकि यहाँ के जो साइज है, फ्रेट साइज है, वो कंपेरेटिवली छोटी होती है, तो वो आपके लिए इजी हो सकता है। नंबर 2 ट्रिक कि आपको अपना फिंगर अपने हिसाब से एडजस्ट करने की आज़ादी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस वीडियो से आप देख रहे हैं आप सेम टू सेम उसी का स्टाइल कॉपी करें। यू कैन एडजस्ट द फिंगर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बट एट द एंड ऑफ द डे द एम इज टू गेट अ क्लियर साउंड, ओके। एंड नंबर 3, पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप पॉजिटिव होके प्ले करेंगे, प्रॉपरली ट्राई करेंगे, कॉन्स्टेंटली ट्राई करेंगे, आई एम श्योर यार बहुत ईजी है ये तो, है ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम कोई बहुत बड़ा फिटनेस गोल नहीं अचीव कर रहे हैं कि सालों की मेहनत चाहिए, इट्स जस्ट लाइक कि कुछ दिनों का लगातार जो प्रयास है वो आपको सफलता दिलवा सकता है ना। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक द वीडियो ऑल्सो एंड शेयर विद अदर्स, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस।